नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसे अलग अनुभव को लेंगे जो कि एक प्रसिद्ध जगह से संबंधित है, और यह जगह है चोर मीनार दिल्ली। आखिर चोर मीनार दिल्ली से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी कहानी है जिसको आज हम लोग जानेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस कहानी के विषय। नमस्कार गुरु जी, कृपया मेरा ईमेल पता और नाम किसी को ना बताएं। इसका कारण है कि कोई नहीं चाहता कि उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों की कोई किसी भी प्रकार से बदनामी हो, वो भी आज के युग में। गुरुजी, मुझे बताने में इस बात को शर्म नहीं है कि मेरे परदादा और उनके समय के कुछ लोग चोर थे और वह चोरी किया करते थे। हालांकि परिवार वाले उन्हें इस बात के लिए मना किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें चोरी करना पसंद था और उससे वो अच्छी खासे रुपए निकाल लेते थे। दिल्ली में उस वक्त जहाँ पर आज चोर मीनार स्थित है, उसी के आसपास उन्होंने कई सारी चोरियां की। और इस कहानी को मैं इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यह कहानी अंग्रेजों के समय की है और उस दौरान उनके साथ जो अनुभव घटित हुआ था, जिसको हम लोगों ने सुना है, उसको प्रकाशित करवाना मेरा उद्देश्य है, ताकि मेरे परिवार के इस घटना को, जो सिर्फ हम लोग यूं ही सुनते हुए आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए बिना मेरे परिवार और लोगों के जानकारी के। इसलिए गुरुजी, मैंने चोर मीनार के संदर्भ में आपको बताने का निर्णय लिया है। सबसे पहले मैं आपको चोर मीनार के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं जो दिल्ली के बाहर के हैं। दिल्ली वाले तो सारे जानते हैं। गुरुजी, चोर मीनार दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में एक इमारत है जिसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया। यह मीनार दिल्ली के सुल्तानकालीन, उस वक्त की जो स्थापत्य कला थी उसके आधार पर इसे बनाया गया है। चोर मीनार का निर्माण दंड देने के लिए किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार का उपयोग अपराधियों, विशेष रूप से चोर और डाकुओं को सजा देने के लिए वह किया करता। मीनार में लगभग 225 से भी अधिक छेद हैं, जिन्हें सिरों को रखने के लिए बनाया गया। कहा जाता है कि इन छेदों में मारे गए अपराधियों के सिर को रखा जाता था, ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें देख सके और डरता रहे। आज भी यह इमारत खड़ी है और लोग यहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बताते हैं कि सन 1305 में अली बेग की छापेमारी के दौरान 8000 मंगोल कैदियों को मार दिया गया था और मीनार पर बनी छेदों में से उन्हीं मंगोलों के सिरों को लटकाया भी गया। इसी वजह से चोर मीनार को अंग्रेजी में द टावर ऑफ बैट हिट बी हेडिंग, यानी सिर कलम करने की मीनार भी इसका नाम रखा गया है। गुरुजी, यह जगह हौज खास में स्थित है और हफ्ते भर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुली रहती है। हौज खास मेट्रो स्टेशन पर आपको उतरना होता है और वहीं से 5-7 मिनट की दूरी पर ही यह चोर मीनार स्थित। ये तो मैंने आपको जानकारी दी है चोर मीनार की, क्योंकि कई लोग नहीं जानते होंगे इसके विषय में। पर गुरु जी, इस जगह से जुड़ी हुई जो घटना है वह उस समय की है जब अंग्रेजों का शासनकाल था, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ही परिवार के दादा परदादा यहाँ पर इस स्थान के आसपास चोरियां किया करते थे। एक बार चोरी करने के बाद रात के समय उन्होंने जिस व्यापारी के गहने लूटे थे, उसने अंग्रेजों से मदद मांगी और तब इनके पीछे पुलिस लग गई थी। तो यह और इनके एक दो और साथी भागते हुए उन्हें कहीं जगह नहीं मिली, तो चोर मीनार में ही छिपने का उन्होंने निर्णय लिया था, क्योंकि यह जगह भूतिया तब भी मानी जाती थी। और इसी कारण से उन्होंने सोचा यहाँ पुलिस वाले नहीं आएंगे, और वह इसके अंदर प्रवेश कर गए। रात का लगभग 12 या 1 बजे का समय के तभी एक औरत बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रही। वह कहने लगी, मेरे पति को कई लोगों ने पकड़ लिया है, उसकी मदद कीजिए। ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे, अपने आप को छिपाए हुए, लेकिन औरत के इस प्रकार कहने पर वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। औरत ने उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने उसके पति को पकड़ लिया है, आपको वहाँ पर चलकर देखना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। तब मेरे उन परदादा और उनके कुछ साथी लोग अंदर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ सच में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ था और वह कह रहे थे कि इसे मार डालो। तब इन्होंने जाकर उनसे पूछा, क्या बात है? इस तरह से
तुम इन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तब वो कहने लगे, इसने बड़ी भारी चोरी की, अंदर जाके देखो वहाँ पर इसने कितना सोना चुरा के रखा है, इसीलिए इसको मार देना जरूरी है। तब मेरे परदादा और बाकी लोग उस चोर मीनार के अंदर दरवाजे में जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर सचमुच में काफी मात्रा में सोना रखा हुआ था। मेरे परदादा अचानक से सहम गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था यह सब चल क्या रहा, क्या सच में चोरों ने इस स्थान को अपने लिए बना लिया है और यहाँ पर सोना चांदी लाकर रख रहे हैं, या फिर कोई और बात है। तो इनके साथियों ने कहा कि इन लोगों को उस आदमी को सजा देने को, पर हम लोग लूटे गए हमारे धन के साथ यहाँ पर रखे गए बाकी धन को भी उठा लेते हैं और चुपचाप जंगल के रास्ते से निकल जाते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है। वह लोग उस व्यक्ति को पकड़ कर ऊपर मीनार में लेकर जा रहे थे। सुनने में बात अजीब सी लगेगी लेकिन यह बात सत्य थी, और वह औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे पति के साथ ऐसा मत करो। तब इन्होंने कहा कि सुनो, उसकी मदद हम लोग नहीं कर सकते हैं, तुम घर चली जाओ। लेकिन वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो फिर मेरे परदादा ने कहा इसके सर पर मारो, इसे बेहोश कर दो और हम लोग यहाँ से बाकी का जितना भी सोना चांदी है उसको लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी लोगों ने यही किया और उसके सिर पर जोरदार लोहे से मारा और इसकी वजह से वह वहीं पर तुरंत बेहोश हो गई। ये लोग चुपचाप उस व्यक्ति को ले जाते हुए देखते हैं और उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से एक तलवार उठाकर उस व्यक्ति की गर्दन काट दी। यह देखकर यह लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। इन लोगों ने कहा अब यहाँ से भागना ही उचित होगा और उन्होंने वहाँ से भागने का निर्णय लिया। पर तभी ने सबने सोचा, सारे लोग तो उस व्यक्ति को पकड़ने में लगे हुए हैं, अब उसके साथ वो लोग क्या करेंगे नहीं जानते, लेकिन इन लोगों का जो सोना चांदी यहाँ पर रखा हुआ है इसको हम लोग उठाकर भाग सकते हैं। और फिर सबने वही किया, उनकी नजरों से बचते हुए सबने वह सोना चांदी उठा लिया और तेजी से जंगल की ओर भागने लगे। अभी कुछ ही दूर आगे गए थे कि उन्होंने जो उस वक्त देखा एक बार फिर से उनके होश उड़ गए। सामने से वही पुरुष जिसका सर काटा गया था और उसकी पत्नी दोनों के दोनों चलते हुए नजर आ रहे थे और वह इधर की ओर ही आ रहे थे। मेरे परदादा और बाकी लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया और क्योंकि वह बिल्कुल सामने आ चुके थे इसलिए वो कहीं भाग भी नहीं सकते थे। तब वह औरत कहने लगी कि मेरे पति का छिपाया गया माल सामने वाली मीनार में रखा हुआ है, चलो हम लोग चलते हैं क्योंकि हम अकेले इतना ज्यादा माल लेकर नहीं आ पाएंगे, तुम सब भी हमारे साथ चलो। मेरे परदादा ने और उनके साथियों ने कहा ठीक है तुम जाओ। तब उनके साथ वो लोग थोड़ी दूर पीछे पीछे चले। अभी थोड़ी दूर ही वह गए थे कि कई लोगों ने आकर उस स्त्री के पति को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। इधर यह स्त्री इनसे फिर से मदद की गुहार लगाने लगी और कहने लगी मेरे पति को बचा लो। यह लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि दोबारा से जिन लोगों ने उसके पति को पकड़ा था उनमें से एक ने तलवार उठाई और उस व्यक्ति की गर्दन काट दी और उसकी गर्दन को ले जाकर फिर से उन्होंने उसी मीनार की एक छेद में जाकर रख दी। यह सब देखकर मेरे परदादा और बाकी चोर बड़ी सावधानी से वापस मीनार के पास आए जहाँ पर उन्होंने सारा सोना चांदी उठाया था। उन्होंने वापस उसे उसी जगह रखा और इतनी तेजी से वहाँ से भागे जितनी उनकी क्षमता। घर पहुँचकर उन सब ने यह बात पूरे परिवार वालों को बताई। परिवार वालों ने कहा अब पता चला कि भूत लीला किसे कहते हैं और उसे चोर मीनार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ चोरों के सिर काट कर लगाए गए हैं और यह जो कुछ भी तुमने देखा यह एक भूत लीला ही थी जो कि वर्ष पहले वहां हुई होगी, क्योंकि उस जगह चोर की आत्मा, उसकी पत्नी की आत्मा और उन सैनिकों की आत्मा होगी जो इस प्रक्रिया को बार बार उसी तरह करते रहते हैं। यह एक उस समय का सच्चा अनुभव है गुरुजी, जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार और बाकी लोगों की बदनामी ना हो इसीलिए मैंने अपनी जानकारी भी गोपनीय रखने को आपसे कहा है। तो ये एक सच्ची डरावनी उस चोर मीनार की कहानी है। आज कल रात में वहाँ पर इस तरह की चीजें तो शायद ही
होती हो, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में यह घटना घटी थी जो कि बिल्कुल सच है और हम पीढ़ियों से इसे सुनते हुए आ रहे हैं। यानी कि उस दौरान मेरे परदादा और उनके साथियों ने सचमुच में भूत लीला देखी थी। यह स्थान आज भी प्रसिद्ध है और लोगों का ऐसा मानना है कि रात्रि के समय आज भी आत्माएं भटकती रहती हैं। इस स्थान को भूतिया माना जाता है। हालांकि अब उस तरह का कोई ऐसा अनुभव देखने में नहीं आता है, लेकिन उस दौरान जो घटित हुआ था एक वास्तविक सच्ची घटना जो उन लोगों ने बताई थी उनके जीवन में घटित हुई थी वही मैंने आपको बताई है। गुरुजी अगर अच्छी लगे तो इसे अवश्य प्रकाशित कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक घटना चोर मीनार दिल्ली के उस मीनार की बताई है जिसे बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और उसमें वह चोरों और डाकुओं को दंड देता था और उनके सिरों को उन छेदों में रखता था ताकि लोग ऐसा काम ना कर सके। और उनमें से ही मारे गए किसी व्यक्ति या चोर की कहानी आत्मा के रूप में बार बार वह दृश्य उस समय दिखा रही। तो यह थी कहानी और घटना। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।